विज्ञापन के जरिए गलत जानकारी देना चार डॉक्टरों को भारी पड़ गया। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने मामले में सख्त कदम उठाते हुए चारों डॉक्टरों को एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है, यानी चारों डॉक्टर अब एक सप्ताह तक किसी मरीज का उपचार नहीं कर पाएंगे। पंचकूला में मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष ए.के. अनेजा ने बताया कि मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई करते हुए दो अस्पताल के चार डॉक्टरों को सस्पेंड किया है और गुरुग्राम के एक डॉक्टर पर PNDT एक्ट की उल्लंघना करने पर 5 साल के लिए सस्पेंड किया है। IMC पंचकूला की ओर से 25 अगस्त को जारी पत्र में कहा गया है कि डॉक्टर SN मनिक नंद, डॉक्टर सरन्या मनिक नंदन व डॉक्टर मुकेश यादव की शिकायत डॉक्टर कर्ण सिंह पुनिया, डॉक्टर अभय कुमार, डॉक्टर अश्विनी कुमार एवं डॉक्टर सुप्रतीक्ष यादव की ओर से की गई थी। मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष ए.के. अनेजा ने बताया कि इसके अलावा गुरुग्राम के एक डॉक्टर राजीव भाटिया पर PNDT की उल्लंघना करने पर कार्रवाई करते हुए उसको 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और ये मामला कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि वे दोबारा से हरियाणा के डॉक्टरों से अपील करते हैं कि वे अपने एथिक्स की पालना करते हुए अपना कार्य करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ हरियाणा मेडिकल काउंसिल कार्रवाई कर सकता है। आज की इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि हम एक मैसेज हरियाणा के सभी डॉक्टर्स को बड़े पोलाइटली एंड रिक्वेस्टफुली देना चाहते हैं कि जो हमारे मेडिकल एथिक्स हैं कृपया उनको फॉलो किया जाए। कोई भी एथिक्स अगर आप उसमें ब्रीच करते हैं तो वो मिसकंडक्ट ऑफ एथिक्स आ जाएगा। जैसे आज मैंने बताया कि चार डॉक्टर्स ने जो ब्रीच किया था कि मिसकंडक्ट ऑफ एथिक्स किया था कि अपनी फोटो के साथ पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी हुई थी, वो एथिक्स के खिलाफ है, इसलिए हमने उनको 7 दिन का सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया है और उनका रजिस्ट्रेशन 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इसी तरह से एक डॉक्टर गुड़गावा के डॉक्टर राजीव भाटिया, जिनके खिलाफ वहाँ के सिविल सर्जन कमेटी ने केस दर्ज करवाया था कि वो PNDT एक्ट को तोड़ते हुए पकड़े गए थे, तो उनका हमने सस्पेंशन 5 साल के लिए कर दिया है कि वो 5 साल के लिए बिल्कुल उनका लाइसेंस सस्पेंड है। और ये केस चूँकि सब ज्यूडिस है इसलिए हम कोर्ट के वर्डिक्ट की वेट करेंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। इसलिए मैं सभी हरियाणा के डॉक्टर से बड़े रिस्पेक्टफुली पोलाइटली उनको निवेदन करता हूँ कि कृपया एथिक्स को फॉलो करें। हर डॉक्टर एथिक्स के जानता है, हमने एक बार पहले भी एथिक्स को सभी हरियाणा के डॉक्टर्स को वाइडली भेजा था और हम 1 या 2 दिन में ही एक बार द्वारा नेशनल पेपर्स में इसको एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं ताकि उसको डॉक्टर्स भी पढ़ लें और एक आम पब्लिक को भी पता लग जाए कि डॉक्टर्स के एथिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। बता दें कि अक्सर मरीजों और उनके परिजनों द्वारा डॉक्टरों और अस्पतालों पर गलत इलाज करने या फिर इलाज के लिए अधिक पैसे वसूलने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ओर से उठाया गया कदम ऐसे डॉक्टरों के लिए निश्चित तौर पर एक सबक साबित होगा। पंजाब के सिटी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट।